अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वादिष्ट खाना में। और आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आम का पल्प निकाल के ले लिया है और इसको छोटे छोटे पीस में मैंने कट करके ले लिया है। अब ले लेंगे एक मिक्सी जार, इसके अंदर हमने सारे पल्प डाल देने हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी। हाँ, आम हमारा बहुत ही मीठा है इसलिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा आप चीनी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, हल्का सा कलर के लिए। और अब इसको बंद करके हमने पीस लेना है। यहाँ जो मैंगो है वो अच्छे से पीस चुका है, ये देखिए। अब इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है और अब हमें इसको साइड में रख देना है। और हमने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। इसमें हमने एक उबाल आने देना है। यहाँ देखिए, एक उबाल आ चुका है दूध में। और इसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए, जो हमारा दूध है वो हल्का हल्का गाढ़ा होता जा रहा है। हमने इसको बिल्कुल डो की तरह बना लेना है। और यहाँ देखिए, ये हल्का सा डो की तरह हो गया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। हमने इसको एक फॉइल पेपर पे निकाल लेना है। इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको हमने रोल कर देना है। सभी को अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने लंबा लंबा कर दिया है और इसको हमने अब रोल कर लेना है। दोनों साइड से हमने बंद कर देना है इसको ऐसे। और इसको हमने एक बार ऐसे कर लेना है ताकि ये बिल्कुल गोल हो जाए। अब इसको हमने फ्रीजर में रख देना है सेट होने के लिए। फिर से हमने वही पैन ले लेना है और उसके अंदर हमने ये मैंगो पल्प डाल देना है, जो हमने मैंगो का पेस्ट बना के ले लिया था। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसको पकाते हुए हमें 3 मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको भी हमें डो के फॉर्म में बना लेना है। देखिए, ये हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच घी डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे में। हाँ देखिए, ये भी अच्छे से डो की तरह हो गया है। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको फ्लेम के ऊपर से उतार देना है। इसको भी हमने फॉइल पेपर के ऊपर निकाल देना है। थोड़ी देर इसको हमने ठंडा होने देना है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैंने हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये चिपके ना हाथों में। फॉइल पेपर के ऊपर रख देना है और हाथों की मदद से अच्छे से इसको पूरे में फैला लेना है। यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है पूरे में। ऊपर हमने पहला वाला रोल रखना है, जो हमने बना के फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखा था। अब इसको खोल लेंगे। अब इसके ऊपर ये रोल रख देंगे और इसको हमने धीरे धीरे फोल्ड कर लेना है।
और यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसको हमने अच्छे से फॉइल पेपर में कवर कर लेना है, दोनों साइड से अच्छे से हमने बंद कर लेना है। फिर से हमने ऐसे इसको कर लेना है गोल गोल ताकि ये बराबर हो जाए। इसको हमने फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख देना है अच्छे से सेट होने के लिए। यहाँ जो हमारा रोल है उसको मैंने फ्रीज से निकाल लिया है, अब इसको हम खोल लेंगे। यहाँ देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। और यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देना है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्लेट और इसके ऊपर हमने सारी मिठाइयाँ रख देनी है। थोड़ा सा इसको पिस्ता से गार्निश कर देंगे। और ये हमारी मैंगो की मिठाई बनके रेडी है। इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।